पानीपत के गांव बहरामपुर में निर्माणाधीन फैक्ट्री के साथ लगते खेत में शनिवार शाम करीब 4 बजे तेंदुआ घुस आया, जिसे देख आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। लोग घबराए हुए थे, लेकिन वहां पर मौजूद एक शख्स ने दीवार पर चढ़कर एक वीडियो भी बना ली, जिसके बाद वो वीडियो वायरल होती है और पूरे गांव को पता लग जाता है कि गांव में तेंदुआ घुसा हुआ है। उस वक्त की भी आपको हम वीडियो दिखाते हैं। जिसके बाद जब इसकी सूचना मिली तो 1.5 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। रोहतक से रात करीब 9:30 बजे टीम आनी शुरू हुई थी। तेंदुए ने स्मालखा वन विभाग के रेंज अफसर वीरेंद्र घाल्यान और बेहोशी की गोली चलाने वाले डॉक्टर अशोक खासा सहित 4 लोगों को घायल कर दिया था। वीरेंद्र प्रेम अस्पताल व डॉक्टर खासा पार्क अस्पताल में भर्ती हुए थे। वहीं इसके अलावा डीएसपी प्रदीप को भी चोटें आई थी। इस दौरान सनोली थाना के एसएचओ जगजीत सिंह ने बहादुरी दिखाई और डॉक्टर अशोक को झपट्टा मार रहे तेंदुए पर टूट पड़े। आखिरकार तेंदुआ गाड़ी के टायर के नीचे आ गया। इससे पहले तेंदुए को बेहोशी की गोली भी मारी गई थी। 7 घंटे के दहशत भरे माहौल के बाद रात 10:45 पर रेस्क्यू खत्म हुआ और रात 11 बजे रेस्क्यू टीम तेंदुए को लेकर रोहतक निकल गई। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल वीरेंद्र, जिनका इलाज प्रेम अस्पताल में चल रहा है, बाकी सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सनोली रोड से 4 किलोमीटर दक्षिण और यमुना नदी से 5 किलोमीटर पश्चिम से सनोली से अतोलापुर की ओर जाने वाली सड़क किनारे खेत में फैक्ट्री बनाई जा रही है। 4 से 5 एकड़ की इस फैक्ट्री को उत्तरी और पूर्वी दीवार करीब 12 फुट ऊंची है। वहीं दक्षिण और पश्चिम की ओर से दीवार नहीं है। किसान का बेटा शौर्यवीर दूसरी फैक्ट्री की ओर से निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार पर चढ़ गया, जहां से वो वीडियो बना रहा था। इस दौरान तेंदुआ दहाड़ते हुए छलांग भी लगा रहा था। वीडियो जारी करने के बाद लोगों को पता चला तो शाम 5 बजे तक फैक्ट्री के पास सैकड़ों की संख्या में लोग जमा भी हो गए। वहीं आपको बता दें कि तेंदुए ने वन विभाग के अफसर व डॉक्टर को पंजा मारा, फिर डंडे से टीम के लोग मारने लगे तो तेंदुआ भागा। तब टीम ने गाड़ियों को पीछे कर दिया। गाड़ियों से तेंदुए पर टक्कर मारने का प्रयास किया गया। इसी में तेंदुआ एक वाहन के नीचे दब गया। वन विभाग ने पकड़ा तो वो बेहोश हो चुका था, जिसे बेलोरो में डालकर टीम ले गई। वन अफसर और डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और दोनों की हालत अब ठीक है। वहीं बीती देर रात जिले के बापोली खंड के बहरामपुर गांव के खेतों में आए तेंदुए को पकड़ने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए फॉरेस्ट रेंजर वीरेंद्र का हाल चाल जानने के लिए डीसी सुशील सारवन भी प्रेम अस्पताल में पहुंचे। डीसी ने रेंजर का हाल चाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। उनके साथ डॉक्टर पंकज मुटनेजा भी उपस्थित रहे। डीसी ने बताया कि बीती देर शाम को बापोली खंड के बहरामपुर के खेतों में एक तेंदुआ घुसाया था। उसे पकड़ने के दौरान सनोली थाना प्रभारी के साथ ही फॉरेस्ट रेंजर वीरेंद्र और रोहतक से आई वन्य प्राणी विभाग की टीम के 2 सदस्य घायल हो गए थे। इनमें से फॉरेस्ट रेंजर को गंभीर हालत में प्रेम अस्पताल के ICU में भर्ती करवाया गया था, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। घायल फॉरेस्ट रेंजर के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद है। इसके अलावा अन्य पुलिसकर्मी जो तेंदुए के हमले से घायल हुए थे, उनको प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे गई है।